15 अगस्त 1947 का दिन भारत के लिए सबसे बड़ा दिन है। ये दिन वीर पुरुषों के अथक प्रयासों से हमें मिला, पर फिर भी आजादी के बाद हमने ऐसी कई लड़ाइयां लड़ी। उन्हीं में से एक है कारगिल युद्ध, जो भले ही आज से 24 साल पहले सरहद पर छिड़ा था, पर इसके निशान आज भी जिंदा हैं। इस लड़ाई की घाव कई टीसे आज भी हर माँ, हर पिता, हर भाई बहन, पत्नी के दिल में चुभती है। 1999 में मई जुलाई के महीने में छिड़े इस युद्ध में सरहद के इस पार हो या उस पार, हर किसी न किसी ने अपने अपनों को खोया था। जिनके फोन का इंतजार होगा या जिनके साथ आखिरी बार कॉल पर कई सपने सजाए थे, मगर भारत माँ के इन बेटों ने किसी भी बात की फिक्र किए बिना दुश्मनों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर कर दुश्मन की जमीन पर अपने तिरंगे को गाड़ कर फतेह हासिल की। इन्हीं शहीदों के कुछ किस्से और उनसे जुड़ी कुछ बातें जो उनके अपनों ने शेयर की थी, हम आप तक लाए हैं, जिसे सुनने के बाद आपका सीना भी गर्व से फूल जाएगा और आंखें नम हो जाएंगी। इन्हीं में से एक है मेजर पद्मपाणी आचार्य। जब मेजर आचार्य की शहादत की खबर सामने आई तो उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। इन्होंने आखिरी बार अपने माता पिता से 21 जून को बात की थी, जिस दिन उनका जन्मदिन था। उन्हें क्या पता था कि यह आखिरी बार था जब वे अपने बेटे की आवाज़ सुन रहे थे। राजपुताना राइफल्स के मेजर पद्मपाणी आचार्य को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। विमला आचार्य उनकी माँ प्यार से अपने बेटे को याद करती है। उनका कहना है कि एक माँ के रूप में मैं निश्चित रूप से दुखी और आहत हूँ, लेकिन एक देशभक्त के रूप में मुझे अपने बेटे पर गर्व है। ये तो वीर गाथा है एक शहीद की। इसी तरह से हमारे देश के कई ऐसे वीर जवान हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर बॉर्डर पर तैनात हैं, ताकि हम सब बेखौफ होकर देश में सुकून से रह पाएं। न्यूज 21 नमन करता है इन वीर जवानों को। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।